टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीते कल रीवा जिले के दौरे पर थे। रीवा शहर के वेंकट भवन के पास जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का कोई नेता यह बता दे कि उसने रीवा के विकास के लिए अगर एक ईंट भी रखी हो। अब उनके इस बयान पर रीवा जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने अपना पक्ष रखा है और कहा कि जेपी नड्डा यह बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने रीवा को क्या दिया। रही बात कांग्रेस के दौर की, तो रीवा को मिली उपलब्धियों की, तो उसमें रीवा का संजय गांधी अस्पताल, इंजीनियरिंग कॉलेज सहित तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो कांग्रेस काल में हुए हैं। आइए आपको सुनाते हैं पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान। क्या वो करना चाहते हैं, कैसे रीवा की तस्वीर बदली है, कैसे रीवा की तस्वीर बदल जाएगी, ये सारी बातें उन्होंने कही है। अब मैं इस मन से आपसे पूछता हूं, है कोई कांग्रेस पार्टी का नेता लाल जो दो वाक्य भी बता दे कि उसने दो ईंटें लगाई हो इस रीवा की जनता की? दो ईंट भी लगाई है? लगाई भाई, पीछे से सुनना चाहता हूं, पीछे के बैठे लोग, लगाई क्या? ये बीजेपी और कांग्रेस की संस्कृति का अंतर है। एक काम करने वाली पार्टी है, एक वो पार्टी है जो दिन रात आपके विकास के लिए सोचती है, और एक वो पार्टी है जो सरकार में आने के बाद वो लोगों की सरकार नहीं होती, वो परिवार की सरकार बनती है, वो जाति की सरकार बनती है, वो इलाके की सरकार। तो सुना आपने, जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी ने अपने बयान में जेपी नड्डा और भाजपा को जमकर घेरा। आइए आपको सुनाते हैं प्रताप भानु शर्मा ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये उनका बड़ा बड़बोलापन है। जेपी नड्डा तो रीवा जिले के विकास को और यहाँ की एबीसीडी भी नहीं जानते हैं, और एक दो ईंट नहीं, कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के नेतृत्व में लाखों ईंटों का आधारशिला रखी है और लाखों ईंटों से नव निर्माण किया है रीवा का, चाहे वो संजय गांधी अस्पताल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इवन चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जिसकी शुरुआत, जिसकी अप्रूवल ही गुलाम नबी आजाद के टाइम पर कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह जी के टाइम पर मिली। झूठ बोलना, जोर से झूठ बोलना, चरित्र हनन करना, ये हमेशा भाजपा के नेताओं का और उनके नेतृत्व का एक फितरत रहती है। मैंने तो ये देखा है, जहां भी चाहेंगे वो, उन्होंने क्या किया वो तो बताएं। 20 साल में मध्य प्रदेश में उनकी सरकार, क्या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स मिली? क्या नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने रीवा के लिए कोई अच्छा अस्पताल या ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दी? क्या कोई IIT रीवा के लिए दिया? कोई IT पार्क रीवा के लिए बनाया? कुछ नहीं करा, ना रोजगार का काम किया, ना पेयजल पिला पाए, शुद्ध पेयजल नहीं दे पाए, ना सीवेज लाइन बिछा पाए, ना हवाई अड्डा बना पाए, ना एयर कनेक्टिविटी ये दे पाए। वो झूठ बोलते हैं और हमसे हिसाब पूछना चाहते हैं। 20 साल का हिसाब तो दे दें, वो रीवा के लिए क्या किया उन्होंने 20 साल में? रायन शर्मा एक अच्छे प्रगतिशील विचार के और एक कुशल इंजीनियर है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि रायन शर्मा को इस बार आप लोग रीवा की जनता भारी बहुमत से जिताएगी, और जैसा एक परिवर्तन का माहौल है, पूरे रीवा में घूम रहा हूं, जिले में घूम रहा हूं मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिन से, एक सरकार को बदलने, भ्रष्ट लोगों को हटाने का संकल्प लोगों के मन में है, कमीशन खाने वाली सरकार को लोग हटाना चाहते हैं, झूठ बोलने वाली सरकार को लोग हटाना चाहते हैं, जो गरीबों पर अत्याचार करने वाली, जिसने लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त कर दिया मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह सरकार को लोग हटाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वोट फॉर चेंज है पूरे मध्य प्रदेश में, वक्त है बदलाव का। पिछली बार भी लागू हुआ था, इस बार भी होगा, और हम 150 सीटों से ज्यादा जीतेंगे मध्य प्रदेश में। विधानसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव में है और आरोप प्रत्यारोप के दौर भाजपा कांग्रेस की ओर से जारी है। जेपी नड्डा का रीवा में दिया गया बयान और उसके पलटवार में रीवा जिला कांग्रेस संगठन प्रभारी ने भाजपा और शिवराज शासनकाल को जमकर घेरा। परिणाम क्या होंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दलों में जबरदस्त बयानबाजी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।